तो आज की हमारी क्लासेस में हम बात कर रहे हैं आपके साथ रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूले में हम बात करेंगे सम इफ फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूट मतलब कि डेटा बेस फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, मान लीजिए मुझे इसमें पूजा का टोटल चाहिए, तो इसके लिए आप सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई इसमें जाओ पूजा को सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट करो, आपके सामने आ गया। लेकिन अगर मेरे पास अगर हो कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए और पूजा जो एमयूजेड में उसका टोटल चाहिए क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 SMT है, तो उसका टोटल चाहिए 30 है, तो उसके लिए हम सम इफ्स का फॉर्मूला अपनाएंगे। सम इफ्स, हमने सम रेंज को ले लिया, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया कैटेरियंस टू, क्राइटेरिया रे एंड कैटेरियंस यहाँ पे क्राइटेरिया थ्री हमने सेलेक्ट कर लिया। तो चलो ये तो चलो आप कर लेंगे सम इफ फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मेरे पास कई सारे क्राइटेरिया हो, तो जैसे मैं यहाँ पे एक फील्ड बना लेता हूँ, मुझे पूजा का चाहिए जो कि एरिया होना चाहिए हमारा नॉर्थ, ठीक है। सिटी में मुझे चाहिए इसमें पुणे का टोटल सेल, पुणे का सेल चाहिए जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। मुझे इसमें मान लीजिए मनोज का सेल चाहिए जिसकी क्वांटिटी लेस देन 80 होनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे इसका टोटल चाहिए। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो हमें 1 by 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठी इतना सारा कंडीशन तो लेगा नहीं, क्योंकि हर लाइन का अलग अलग कंडीशन से, अगर एक कंडीशन सब पे होते तो हम सम इफ लगा सकते थे, लेकिन किसी का कुछ कंडीशन है, किसी का कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारा जो है सम इफ फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे डेटाबेस फॉर्मूले, जी हाँ डेटाबेस फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम करेंगे डी सम फॉर्मूला। देखिए डेटाबेस के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो हमने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फील्ड किसका टोटल चाहिए तो हमें क्वांटिटी का टोटल चाहिए, और क्राइटेरिया हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया कि हमें चाहिए क्वांटिटी, ये पूरा क्राइटेरिया ले लिया, एंटर बेस किया तो आपके सामने 302 आ गया। हेलो सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पावर फ्लक्चुएट हुई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, डी सम का मैं एक बार और लगाता हूँ, मैं लगाने का तरीका बताता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा डी सम, डी सम में हमने डेटा भी अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने अपनी फील्ड को सेलेक्ट की जो हमारा फील्ड है, उसके बाद हमने क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया जो हमारा क्राइटेरिया है और एंटर प्रेस कर दिया तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऐसे आपको डी सम के जगह पे डी एवरेज चाहिए, इसका एवरेज चाहिए तो यहाँ पे डी एवरेज का फॉर्मूला है। और डी सबका फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, आप जो है ये फील्ड को सिलेक्ट कीजिए, क्राइटेरिया को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने यहाँ पे देखिए 60 आ गया। ऐसे डी काउंट का फॉर्मूला चाहिए, डी काउंट में हम बात कर रहे हैं अपना डेटाबेस को, काउंट किसका करना है, क्वांटिटी को काउंट करना है। और क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो हमने क्राइटेरिया ए चाहिए और क्राइटेरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड एंटर, ये देखिए आपका 5 आ गया। ऐसे आपको डी काउंट ए है, डी मैक्स है, डी मीन है। अभी लिस्ट देखने के लिए आपको यहाँ एफएक्स पे क्लिक करना होगा, एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आप आइए इस पे, ये रहा आपका डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट। तो डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंटे, डी गे, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट। तो डी एवरेज एवरेज निकालता है, डी काउंट काउंट निकालता है, डी काउंटे काउंट बट ऑल करता है। इसमें डी काउंट आपने किया सिर्फ नंबर काउंट करेगा, डी मैक्स डी मीन, मैक्सिमम निकालेगा मिनिमम निकालेगा, डी प्रोडक्ट प्रोडक्ट करेगा, ए डी सम करेगा, ए डेविएशन निकालेगा, ए वेरिएंस निकालेगा। इसमें एक डी गेट का पार्ट आता है। अब डी गेट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि पूजा यहाँ एम यू जेड में भी है और यहाँ पूजा आपका जयपुर में भी है, तो मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेम और यहाँ पर हमने सिटी दे दिया, हमने लिखा पूजा और यहाँ चाहिए मुझे जयपुर का, इसकी क्वांटिटी चाहिए, तो मल्टीपल कंडीशन जिसके लिए वी लुकअप में आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा फॉर्मूला डी गेट का, और डी गेट में पहले आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है आपका एरिया को, सॉरी किसका मुझे चाहिए डेटा, क्या चाहिए, तो यहाँ क्वांटिटी चाहिए, फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना एरिया और एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका 52 आ गया। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस तरह की डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले हैं, आप लगाइए, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सबका तरीका बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला आता है हमारा, वो आता है इन्फॉर्मेशन का। अब इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला देखिए, इसका खुद का कोई यूज नहीं है, लेकिन किसी के साथ लग जाता है तो एक अच्छा खासा यूज होता है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला इसमें सेल का फॉर्मूला, चलिए हम सेल के फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। सेल का फॉर्मूला आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अ सेल, जैसे कि कलर कंटेन को भी, यहाँ पे जाता हम फाइल नेम को लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा फाइल नेम अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइल नेम को हम सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा पाथ विद सीट नेम देता है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ रिपोर्ट बनाई, जो डेटा है डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार रखता हूँ और मुझे यहाँ पे रिमूव डेटा बार में जाके मैं यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट, ओके। अब मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि मैं सिटी वाइज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का यहाँ पे सिटी आए दिल्ली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीट का नेम दिल्ली है तो यहाँ पे दिल्ली का डेटा आ जाए,
मुझे यहाँ समिफ में दिल्ली सेग्रीगेट करना ना पड़े। सिंपल सी मैं चाहता हूँ जो सीट नेम यहाँ हो मुझे यहाँ उसका सीट नेम फॉर्मूले के थ्रू चाहिए। जब भी जो भी सीट नेम चेंज करें फॉर्मूला अपने आप को सीट नेम चेंज करें। जब देखा आपने जब सेल का फॉर्मूला लगाया तो सी से लेकर देखिए दिल्ली तक आ गया, दिल्ली आ गया, मुझे बस दिल्ली को स्ट्रैक करना है। तो यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट फॉर्मूला वाला जो मेथड है यहाँ अपनाएंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का। फाइंड में हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को, कॉमा करेंगे वन, ये दिल्ली का जो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उसका दे देगा लोकेशन। देन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, फाइंड का, सॉरी फाइंड नहीं राइट का। राइट फॉर्मूले में बोलेंगे कि मुझे इसमें से इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से माइनस 35 चाहिए। ओके तो आपके साथ दिल्ली आ गया। मैं दिल्ली की जगह पे अगर पूना करूँगा तो पूना यहाँ पे पुणे आ जाएगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ फॉर्मूले के थ्रू सम इफ्स में जाता हूँ, सम इफ्स मुझे रेंज सम रेंज चाहिए। मैंने बोला क्वांटिटी को सम करना है, क्राइटेरिया पहला नेम को मैच करना है और नेम जो है पुणे का ये रहा नेम। दूसरी क्राइटेरिया में हम वापस जाते हैं, सिटी को करना है और सिटी जो है वो सिटी ए रिजल्ट है। और आपके सामने आपके रिजल्ट आ गए। अब मुझे इसको ड्रैग करना है, बस D5 को फ्रीज कर देता हूँ, बाद बाकी इसको मैं आसानी से ड्रैग कर सकता हूँ। आ गया। अब सिटी का नाम मान लीजिए मैं कर देता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा। तो सेल फॉर्मूला आपको इन्फॉर्मेशन दिया और आपने इससे रिलेटेड आपकी चीज़ें की। तो इसी तरह से आपका एरर टाइप का फॉर्मूला है इसमें। अब एरर टाइप में कौन से एरर है उसका नंबर देगा। अब देख अभी जान लीजिए कौन कौन से एरर कब कब आते हैं। अब नल का एरर जो है वो आता है जब कोई डेटाबेस को लिंक करते हैं और वहाँ पे होता नहीं है तो वो नल देगा। फिर आता है DIV, DIV का एरर तब आता है जब किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं। वैल्यू का एरर तब आता है जब फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिलता है। RF का एरर तब आता है जब आपने फॉर्मूला के अंदर जो रेफरेंस दिया है वो एग्जिट नहीं कर रहा हो या एग्जिट कर रहा हो तो उसको आपने डिलीट कर दिया है। नेम का एरर तब आएगा जब आप कुछ ऐसा वर्ड लिख रहे हैं वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। नम का एरर कब आता है, डी गेट में जब रिपीट होता है तो नम का एरर आता है। एन ए का एरर कब आता है, हैश एन ए, जब भी लुकअप फॉर्मूला को डेटा नहीं मिलता है तो मिलता है। गेटिंग डेटा एरर, जब एक्सेल को किसी अनदर सॉफ्टवेयर या अनदर फाइल से कनेक्ट करते हैं और उसको डेटा नहीं मिलता है तो वहाँ पे आता है एरर। स्पिल का एरर, जब कोई आप एरर फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे फिल्टर हो गया, आप शॉर्ट हो गया, ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं और वो सही नहीं होता है तो यहाँ पर गलत देता है। कॉन्केट, जब कॉन्केटेड फॉर्मूला जो है जब उसको सही इनपुट नहीं मिलता वो देता है ब्लॉक। जब इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट करते हैं और सर्विसेज को ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक है। अननोन, जब कुछ समझ में नहीं आया। तो जब कोई एरर आएगा तो उसको जब इसका पाथ दे दीजिएगा तो उसके नंबर से इंडिकेट करेगा कि फलाना एरर है। तो एरर टाइप का फॉर्मूला इस केस में यूज करता है। अब इसमें कुछ इज के फॉर्मूले हैं, जैसे कि जो ट्रू एंड फॉल्स देते हैं, सब ट्रू एंड फॉल्स। इज ब्लैंक, अगर सेल को जो सिलेक्ट किया अगर वो ब्लैंक हो, ऐसे मैंने सेल सेलेक्ट किया ब्लैंक है तो ट्रू देगा, अदरवाइज कुछ टाइप हुआ इसमें तो फॉल्स देगा। ये सारे ट्रू एंड फॉल्स देते हैं इज के फॉर्मूले। इज एरर, ये आपको एरर को देख के ट्रू एंड फॉल्स देगा लेकिन सिर्फ एन ए को, नहीं एन ए को छोड़ के, माफ कीजिएगा, एन ए को छोड़ के, हैश एन ए को। इज एरर, सब कोई भी एरर। इज इवन, अगर नंबर इवन है तो ट्रू। इज फॉर्मूला, अगर सेल में फॉर्मूला लगाया तो ट्रू। इज लॉजिकल रिजल्ट, ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू। इज एन, अगर एरर एन में है तो। इज नॉन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के अलावा कोई नंबर ट्रू फॉल्स है तो। इज नंबर, नंबर है तो। इज ऑड, ऑड है तो। इज आरएफ, आरएफ है तो। इज टेक्स्ट, टेक्स्ट है तो। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है आपका इज का फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला होता है टाइप का। टाइप का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल में किस तरह की वैल्यू डली है वो टाइप में बताता है। नंबर या ब्लैंक हो तो वन, टेक्स्ट होगा तो टू, और इसमें कोई और होगा तो थ्री, इस तरह से इंडिकेट करता है एरर टाइप का फॉर्मूला। एक बार और आते हैं, मैं इसमें सॉरी इसका
इन्फो फॉर्मूला की बात करें तो इन्फो फॉर्मूला क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मुझे पता करना है कि मेरा जो एक्सेल का वर्जन कौन सा है, तो 16.0 है। मुझे पता करना है कि मेरा पीसी कौन सा है, तो हमने यहाँ पे सिस्टम पे सिलेक्ट किया, तो ये हमारा पीसी डॉस है, डॉस बेस्ड है। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले में होते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को लेके आगे आप इसका यूज कर सकते हैं। सीट का फॉर्मूला है, सीट्स का फॉर्मूला। अगर मान लिया अभी दीजिए मैंने सीट, तो ये बताएगा कि कौन से नंबर पे सीट है, सिक्योर नंबर दिखाता है। अगर मान लीजिए उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ तो चार दिखाएगा, दिखाया ना सर, तो सीक्वेंस नंबर दिखाता है कौन सा है और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये आपको बता देता है। ठीक है, क्लियर है सर आप लोगों को? तो हमने दो कैटेगरी को कवर किया, एक हमने किया डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, और दूसरी कैटेगरी हमने सुलह की आपके पास इन्फॉर्मेशन की, आप इसको देख लीजिएगा। अब लास्ट कैटेगरी हमारा बचता है फाइनेंशियल फार्मूला की। अगर फार्मूला को अगर देख लेते हैं कि हम फार्मूला बार में हमने आपको लॉजिकल समझा दिया, टैक्स समझा दिया, डेटा टाइम समझा दिया, लुकअप समझा दिया, मैथमेटिकल समझा दिया, स्टैटिकल हमने समझा दिया, जिसमें अब सारे फॉर्मूले नहीं, जो फॉर्मूले समझ सकते थे वो समझाया, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसके मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा तो वो हमने नहीं बताया। और आपको देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं फॉर्मूले आपको करा देंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला मैंने आज करा ही दिया आपको, बाकी जो एक क्यूब वगैरह के फॉर्मूले हैं तो ये फॉर्मूले उतने रिपोर्ट ऑटोमेशन में यूज नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताया। ठीक है आप एक काम कीजिए ना, इसमें आप फॉर्मूले को पहले जानना होगा कि कौन सा, देखिए फॉर्मूला को क्लिक करते हैं ना, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि फॉर्मूला रिटर्न क्या करता है, दिख रहा है सर? अब ये रिटर्न कर रहा है, ये आपको आपके फील्ड का है, आपके काम का है, तो आप ले सकते हैं। जो आपके जो अभी मोस्टली हर जगह यूज होने वाले फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए है। इसके अलावा आपके जो जो आपका वर्क प्रोफाइल है, उस वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है, उस फॉर्मूले की लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको वो कवर कर दूंगा। जो फॉर्मूले मुझे नहीं आते होंगे हम रिसर्च कर लेंगे और आप बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ये है कि कंसेप्ट होते हैं, इस कारण से हम इसको नहीं कराते हैं सर, ठीक है? क्योंकि उसकी पूरी मैथमेटिक हमें समझाने पड़ जाती है। इसको कर लीजिए, और मैंने जो समिप्स के रिलेटेड जो आपको फाइल्स भेजे थे प्लीज उसको करके मुझे वापस कीजिए, और कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम एडवांस फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे, ठीक है सर?